जय भीम करने वाला हिंदुस्तान शब्द कहता हुआ मिल जाए, समझ लेना ये देशद्रोही है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान में द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। इस देश का नाम क्या है? भारत है। तो फिर इस देश का प्रधानमंत्री का नाम? इस देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? क्या जो प्रधानमंत्री जिन्होंने शपथ ली, क्या वो इस देश के साथ इंसाफी कर रहे हैं? नहीं। क्या इस देश का मीडिया नहीं, क्या इतने समझदार नहीं है कि वो भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द का क्यों उपयोग करते हैं? वो भारत क्यों नहीं कर सकते? जानबूझ के नहीं करते। दरअसल उन्हें इस देश से प्यार ही नहीं है, दरअसल इस देश के संविधान को वो मानते ही नहीं है, दरअसल वो बाबा साहब के द्वारा दिए हुए शब्द को, समता को नहीं मानते, इसलिए आरएसएस वाले समरसता वर्ण बोलते हैं। बाबा साहब के समता, मैत्री, भाईचारा, संविधान और भारत शब्द को नहीं मानते, इसीलिए ये कांग्रेस वाले दलित और हरजन शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, हम यहां से 135 करोड़ भारतीयों को, जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, जो भारत के नागरिक हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं। क्या भाई आप कोई भी अपने पिताजी का नाम गलत लेता? भाई क्यों? बेइज्जती लगती है ना। तो देश का नाम लेने पर इस मीडिया के लोगों को बेइज्जती क्यों नहीं लगती? मेरा प्रश्न ये है कि जी टीवी, ये टीवी, वो टीवी, सारे जिस टीवी में खोलो उसमें भारत का नाम हिंदुस्तान कहते हैं। अरे ये हिंदुओं का स्थान नहीं है। भारत में 6 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई और बौद्ध। जब छह धर्म हैं, तो 5 धर्मों वालों से मैं ये कहता हूं ये हिंदुस्तान नहीं है, ये है द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत।